हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है निहार शांति बादाम आंवला हेयर ऑयल। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है निहार नेचुरल्स की हेयर ऑयल शांति बादाम आंवला केस तेल। इसे विद्या वालन प्रमोट करती है और इसका लाभ का 5% योगदान शिक्षा के लिए होता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आंवला ऑयल के साथ साथ अलमंड का भी यूज़ किया गया है और इसमें मिनरल ऑयल का भी यूज़ किया गया है, वो भी 64%, जो कि हमारे बालों के लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको इसकी इंग्रेडिएंट से प्रॉब्लम है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें कुछ अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे इसमें वेजिटेबल ऑयल है, आंवला ऑयल है 35%, और विटामिन ई है, आलमंड ऑयल है। 3 टाइप ऑफ हेयर ऑयल से ये ऑयल बनाया गया है, तो ये इंग्रेडिएंट्स वाइज अच्छा ही है। और इसकी प्राइस है 44 रुपीस और क्वांटिटी है 150 ml की, तो काफ़ी ज़्यादा ये अफोर्डेबल है, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और ये बड़े साइज में भी अवेलेबल है, 300 ml फॉर ₹75, और ये इसे बड़े साइज़ में और आती है 500 ml की, जिसकी प्राइस है ₹128। तो अगर आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इसका छोटा साइज लेकर ही ट्राई कीजिए। और ये मार्केट में इजली अवेलेबल है, आप इसे कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर से, जनरल स्टोर से या ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, ये इजली मिल जाएगी। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग है इसकी, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉटल है फ्लिप टॉप कैप के साथ, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। स्टडी पैकेजिंग है, अच्छे से ये लॉक हो जाती है, लूज़ बिल्कुल भी नहीं है। लॉक होने के बाद फिर प्रोडक्ट लीक होने का कोई चांस नहीं होता है, तो आप इसे ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी टेक्सचर रनिंग है, ग्रीन कलर की है और फ्रेग्रेंस थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, आंवला की स्मेल है, तो हो सकता है कि सेंसिटिव नोज़ वाले को ये पसंद ना आए। और ये जो ऑयल की टेक्सचर है वो स्टिकी है, इसे बालों में लगाने से स्टिकी जैसा फील होता है, ऑयलीनेस जैसा लगता है, थोड़ा सा हैवी लगता है लगाने से। तो अगर जिन लोगों को बालों में ऑयलिंग करना पसंद नहीं है, वो लोग इसे ट्राई नहीं करें, क्योंकि इसे बस थोड़ा सा भी लगाने से बाल बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। और जिन लोगों को ऑयलिंग करना पसंद है, बालों को मसाज करना पसंद है, वो लोग इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से अपने बालों में, अपने स्कल्प में इसे लगाकर 2-3 मिनट तक मसाज कर सकते हैं, फिर ओवरनाइट रख कर के फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हेयर से सारी ऑयल को निकाल सकते हैं। शैम्पू करने के बाद फिर ऑयल अच्छे से निकल जाती है, उसके बाद फिर कुछ भी ऑयलीनेस जैसी हेयर नहीं लगती है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस ये ऑयल के साथ बताऊं, तो मुझे ऐसा कुछ ये ऑयल को यूज़ करने के बाद ऐसा रिजल्ट कुछ नहीं मिला है, इसका कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा भी नहीं मिला है और कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। ऐसे तो इसकी इंग्रेडिएंट्स अच्छी अच्छी है, इसमें आलमंड और आंवला है, तो दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये दोनों अच्छे से काम करती है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करती है। बट ये ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये एक नॉर्मल हेयर ऑयल है, जिससे ना ही कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है।
जैसे पहले बाल है वैसे ही इसे यूज़ करने के बाद भी रहेगी, कुछ डिफरेंस ऐसा नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट तो ऐसे तो काफ़ी अफोर्डेबल है, बट इसका कोई रिजल्ट है ही नहीं, तो वेस्ट ऑफ मनी ही होगा। तो ये था मेरा रिव्यू ये प्रोडक्ट को लेकर। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।